दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब कप्तान होगी, तो जॉर्ज बटलर आए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला था कि यार मुझे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं देखना, मैं कुछ भी करूंगा अपनी टीम को जिताने के लिए। फिर उनसे सवाल पूछा गया, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ पार स्कोर, तो उन्होंने बोला आई डोंट बिलीव इन पार स्कोर, वेरी गुड, मुझे ये चाहिए कि अगर हम बैटिंग करें तो इतने रन बनाए कि इंडिया ना बना पाए, और अगर दूसरे बैटिंग करें तो इतने बनाए कि इंडिया ने बनाया आराम से चेस कर जाएं। आज वो वही कर रहे हैं। अब शुरुआती अगर ओवर देखा जाए, भुवनेश्वर कुमार ने जो पहला ओवर डाला जी, उसमें 12-13 रन आए, एक वाइड गई थी और 3 चौके लगाए थे जॉर्ज बटलर ने, तो 2 चौके जो लगाए उनको इतना रूम दिया गया, मतलब आप अगर चौथे स्टंप पर बॉल डाल रहे हो, पांचवें स्टंप पर बॉल डाल रहे हो, आराम से जॉर्ज बटलर उस बॉल को खेले, और एक ओवर दो ओवर ही लगता है जॉर्ज बटलर एलेक्स हेल्स को टिकने के लिए। बिल्कुल, 6 ऑप्शन है इंडिया के पास में बॉलिंग के, 6 यूज हो सकते हैं, मतलब 6 बॉलर यूज हो चुके हैं, कितनों को रोटेट करा लेंगे अब आप? वो बटलर है जो अब तक इस टूर्नामेंट में शांत रहे थे, रन्स नहीं थे उनके, सिर्फ हेल्स के रन्स थे, एलेक्स हेल्स के, और अब 80 रन हो गए, उन्होंने कितने 7 हैं, तो आप देखो इतनी पिटाई अगर एक तरफ से हो रही है, है ना, 40-41 बॉलों में 80 रन बना दिए उन्होंने, सेंचुरी बना लेगा। एक्चुअली वही है ना, सही सर, बड़ा खिलाड़ी बड़ा दिन, और बड़ा खिलाड़ी दिख रहा है आज यार, ठीक है अनुज, ये जो हेल्स हैं पुल पीछे और एक और शानदार चौक, साल दर साल रन बनाते थे, 500 रन लगाते थे बिग बैश में, इस टीम के पास जसन रॉय है, जॉनी बेस्टो है।